नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शिवपुरी पुलिस अध्यक्ष राजेश चंदेल के निर्देश पर आज शिवपुरी की रेत मंडी में यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव ने अवैध रेत से भरे 12 डंपर जब्त करने की कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि इन सभी डंपरों पर ना ही रॉयल्टी मिली है, ना ही गाड़ी के कागजात मौके पर प्राप्त हुए। जानकारी के अनुसार SP शिवपुरी राजेश सिंह ने को लगातार सूचना मिल रही थी कि रेत मंडी में प्रतिदिन अवैध रेत से भरे डंपर बिकने पहुँचते हैं। ऐसे डंपरों पर कार्रवाई के लिए यातायात प्रभारी रणवीर सिंह को निर्देशित किया गया। आज सुबह 7 बजे यातायात प्रभारी रणवीर सिंह अपने दलबल के साथ पहुंचे और मौके पर खड़े डंपरों से रॉयल्टी मांगी तो वह दिखा नहीं पाए। रेत मंडी में खड़े 12 डंपरों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। यातायात प्रभारी रणवीर यादव ने कहा कि इन सभी अवैध रेत से भरे डंपरों को जाँच की जद में लिया गया है। इन डंपरों को जब्त कर यातायात थाने में ले जाया गया है। जब्ती की कार्रवाई कर आगे की कार्रवाई के लिए माइनिंग विभाग को भेजा जाएगा। यह शिवपुरी मंडी के पुलिस विभाग की अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिससे रेत माफियों में हड़कंप मच गया है। आज सूचना प्राप्त हुई कि कुछ जो डंपर है रेत के, वो अवैध रूप से भर के आ रहे हैं। इन पर कागजात भी नहीं है, ओवरलोड भी है और जो ड्राइवर पर लाइसेंस भी नहीं है। इस सूचना प्राप्त हो रही है। आज इसमें जो मौद्रिक निर्देशन में और SDO भी शूटिंग निर्देशन में कार्रवाई की गई है, जिसमें 12 डंपर जब्त किए गए हैं और उनसे जिस स्थान पर इनको जब्त किया गया उस स्थान उनसे रोटी का हमारे द्वारा मांगा गया था। उनके द्वारा उस जगह पर रोटी ना दिखाई गई और ना ही उनसे कागजात किसी के द्वारा हमको दिखाई दिए, तो यहाँ लेके आए हैं और इनसे आगे की कार्रवाई के लिए जो आप कागज दिखाएंगे उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर रोटी है उसके बाद ओवरलोड कराया जाएगा। ओवरलोड निकलता है उसमें कार्रवाई, कागज जो नहीं होगा प्रति कागज की कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी।